कहना चाहती हैं? इस्लाम धर्म जो मैं वो हकीकत बताना चाहती हूँ इस्लाम धर्म की। जी जी जी, जो सच्चाई इस्लाम धर्म में वो किसी धर्म में नहीं है। जी जी, आपको क्या खासियत लगी इस धर्म में? इस धर्म में सच्चाई, ईमानदारी। और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस धर्म को बदनाम किया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये गलत बदनाम कर रहे हैं मोदी जी। जी, कुछ लोग कोरोना का सहारा आ रहे हैं, मुसलमानों पर आ रहे हैं। नहीं, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का कहर है। बीमारी जो आती है इंसान धर्म देख के थोड़ी आती है, ना तो मजहब देख के आती है, तो सब पे आती है, सबको आती है बीमारी। और बीमारी जो बदनाम करा जा रहा है मुसलमान से, कि मुसलमान से शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशों में मेंढक जो पी रहे हैं लोग, जी 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 जी, जो उसका जूस पी रहे हैं मेंढक का, जी जी जी, तो उससे बीमारी फैली। और अच्छा, हम तो अच्छा। ये कहेंगे बीमारी किसी चीज़ से नहीं फैली, ये अल्लाह का कहर चीन से है। क्यों? कि उन लोगों ने नकाबे उतारी नहीं, बुरके कटवाए, आज दरगाहों पे ताले लग गए, इस वजह से लगवा दिए लॉक। इसको लेके तो मैं बहुत परेशान हूँ जी जी, ये अच्छा नहीं कर। आप दरगाह पे हाजिरी देती है? जी जी हाँ, मैं दरगाह पे, मैं बस क्या बोलूँ मैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने अच्छा नहीं करा। आप जैसे लोग अगर देश में हों तो आपसी सद्भाव बना रहे जी, और आपसी भाईचारा बना रहे जी। थैंक यू। भाईचारा तो बनाए में है, तभी तो चुप है कुछ लोग, मगर माहौल खराब कर रहे हैं देश का। कुछ लोगों ने माहौल तो, कुछ लोगों ने क्या है, हिंदू भी बड़ा होशियार आदमी है, हिंदू बहुत होशियार आदमी, चुप है, पर ये इसकी काया को नहीं समझ रहा कि इस्लाम धर्म की ताकत। अच्छा। अल्लाह रसूल को सब देख रहे हैं, जी जी, थोड़ी ढील दे रखी है जी जी मोदी को, और मोदी जी का वो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, जी जी जी, इस टाइम मैं प्रधानमंत्री के ही साथ हूँ, जी जी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने भाजपा को जिताया है, बहुत मेहनत करी भाजपा के लिए। जो भाजपा ने या किसी भी पार्टी ने बदनाम कराया जो इस्लाम धर्म को, वो गलत करा है। ओके, शुक्रिया।